छठ पूजा घुम्न गएको समय घरमा कोही नरहेको फाइदा उठाएर चोरले चोरी गरेर चम्पट कसेको घटना प्रकाशमा आएको छ। उक्त घटना भुटान सीमावर्ती जयगाउँ भगत सिंह नगर इलाकामा घटेको। प्राप्त जानकारी अनुसार इलाका निवासी स्वर्ण व्यवसायी सन्तोष कुमार आज बिहान परिवारको साथमा छठ घाटमा गएका थिए। यसपछि तिनी बिहान 6:30 बजी घर फर्किआउँदा दैलो ताला भत्किएको अवस्थामा रहेको साथै घरभित्र आलमारीको ताला भत्काएर नगद 1,00,000 रुपियाँ लगायत सुनका बहुमूल्य गरगहनाहरू चोरी भएको थाहा पाए। यसपछि तिनले घटनाबारे पुलिसलाई खबर दिएपछि जयगाउँ थाना पुलिस घटनास्थलमा पुगेर छानबिन गर्नका साथै घटनाको जाँच सुरु गरेको बताइएको छ। सुबह जब 7 बजे हम लोग आए हैं, हम तो पहले वाला गेट खोल रहे हैं, उसके बाद में एक ऑप्शन नहीं हुआ था, ये आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो मन में था दिनों क्रेज में लगा है, तो घर में झुकते हैं तो देखते हैं कि सब बिखरा हुआ है, सब सामान सब बिखरा हुआ है, अलमारी खुला हुआ है, सब बोला कि चोरी हो गया चोरी। तो था हमारे पत्नी का गला का हार था, सोने का, कान में का झुमका था, मांग में का था, मुंटी का था, और नगद पैसा काल संतोष बेकरी करके ले आया था, लड़का था वो रखा था 1,00,000 रुपया। करीबन कितने का जैसा नुकसान हो गया, चोरी हो गया? 3,00,000 3,00,000 3,00,000 3,00,000 6:30 में पता चला है। हम लोग छठ पूजा घाट से आए हैं, देखे हैं कि सब तोड़ तार के चोरी किया हुआ। 3:40 में पुलिस स्टेशन आया, सब जाँच उच करके गए हैं। वही घर का पैसा था, गहना जेवर था, 1,00,000 रुपया का होगा, लेकिन 1,00,000 रुपये का। अब संदेह कैसे किसी पे आरोप लगाया जाए, कौन ले गया है, अब देखने से तो भूल पाता आदमी।